कम्युनिटी मौजूद है आज न्यू बीएसएम स्कूल में, जहां फेयरवेल पार्टी की जा रही है। ये जो बच्चे उनसे जान लेते हैं, हमारी बेटियां बैठी हैं जो आज फेयरवेल पार्टी के, जो 11वीं कक्षा के बच्चे पार्टी दे रहे हैं और प्लस टू को विदाई दे रहे हैं। आज बेटे एग्ज़ाम हो गए आपके, बिछड़ जाओगे एक दूसरे से, कैसा महसूस हो रहा है आज? हमें बहुत बुरा महसूस हो रहा है क्योंकि हमारी सारी फ्रेंड चली जाएंगी और इनके लिए यार हम रोएंगे नहीं, हमारी दुआ देके जाएंगे कि हमारे जो छोटे हैं वो भी हमेशा खुश रहे। कितना स्कूल में आपने टाइम बिताया बेटा, कैसा रहा वो टाइम पीरियड? वो हमारे लिए बहुत अच्छा था और हम चाहते हैं कि जो निकल गया। थैंक यू। इतने भाव क्यों हो रहे हो आप? बिकॉज हम चले जाएंगे, हमारा लास्ट ईयर है और बहुत मिस करेंगे उसको। ये दिन याद रहेंगे हमेशा। बेटे क्या कहना चाहोगे आप, माइक आपको दे, क्या कहना चाहोगे बेटा? बस यही कहना चाहेंगे कि अब तक का जो नर्सरी क्लास यहाँ पे पढ़ रहे हैं और अब 12th क्लास तक आखिरी साल है, तो बहुत बैड फील हो रहा है। अभी आज लास्ट साल है तो यहाँ से चले जाएंगे। के बाद बिछड़ जाओगे एक दूसरे से, याद आएगी? हाँ जी, वो तो आएगी, बेस्ट फ्रेंड्स है तो उनकी तो याद आएगी भी। हम सब एक ग्रुप में थे तो ग्रुप अलग हो गया। हमें अपनी लड़ाई की, झगड़े की, प्यार की, गुस्से की, सब चीज की याद आएगी। बिछड़ जाओगे आज इस एग्जाम के बाद? सर भाव करो बेटा, है बेटा, रो नहीं बताओ। सर बहुत याद आएगी, बिछड़ जाएंगे हम। अरे बेटा क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, एग्जाम के बाद सारे साथी बिछड़ जाओगे? जी सर बहुत याद आएगी इनकी, इतना टाइम एक साथ स्पेंड किया, याद तो बहुत आनी है सर। साथ में स्कूल वाले भी बहुत याद आएंगे, टीचर इतनी अच्छी है, सब याद आएंगे बच्चों की। हाँ जी सर, बहुत ज्यादा याद आएंगे सर, हमारा मन भी नहीं लगने वाला बाद में सर। सारे के ग्रुप है जो हमारा जो है जी, सर मन नहीं लगने वाला बिल्कुल भी स्कूल में। क्या कह रहे हो सर? टीचरों की भी बहुत याद आएगी। आइए अब जो ये फेयरवेल पार्टी चल रही है यहाँ न्यू बीएसएम स्कूल में, उनके चेयरमैन है अरुण खरब साहब, इनसे ही बात करेंगे कि आज काफ़ी बच्चे इन एग्ज़ाम के बाद इनसे बिछड़ जाएंगे। बच्चे भी बड़े भावुक हो रहे हैं और ये कह रहे हैं टीचर और हमें ये दिन याद रहेंगे। और आप देख सकते हैं भावुकता अरुण खरब के चेहरे पर भी है। इनसे बात करेंगे कि जब ये बच्चे यहाँ से निकल कर जाएंगे तो इन्हें कैसा महसूस होता है? सर आज धन्यवाद हरीश जी आपका, क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए आज का दिन बहुत ही हमारे विद्यालय के लिए, मैं कहता हूँ दुखदायी भी है। हमारे बच्चे भावुक हो रहे हैं आज। जी बिल्कुल, जी 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 बिल्कुल, उनकी भावुकता बिल्कुल जायज़ है और मैं भी जो है ना बिल्कुल भावुक हूँ इस बात के लिए कि हमारे नन्हे नन्हे बच्चे जो नर्सरी क्लास में स्टार्टिंग से विद्यालय में दाखिल हुए थे और आज वो 12 से 14 साल का समय पूरा कर करके आज विद्यालय से विदाई लेकर के जा रहे हैं, तो मन बहुत दुखी है। लेकिन साथ के साथ इस बात की मैं उन बच्चों की बिल्कुल वो कर प्रशंसा करूंगा कि वो एक अपने नए रास्ते पर एक नई सीढ़ी को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं उन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना भी करूंगा कि वो बच्चे जिस भी रास्ते पर जाएं सफलता उनके कदमों में, उनकी सफलता उनकी कदम चूमे, ऐसे में उनके परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ।
हमारे टाइम में भी आया था, लेकिन आज हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो समय था वो इतना नहीं था। आज बच्चे अपने अध्यापकों के साथ बहुत गहरा संबंध उन बच्चों का बनता है, और उनके अटैचमेंट को जब देखते हैं बच्चे रियली में, मतलब एक मन को, मतलब दिल को छूने वाले बच्चे हमारे जो है ना विद्यालय में जितने भी हैं, मैं उन बच्चों को आज विदाई दे करके बिल्कुल मन से भावुक हूँ इस बात के लिए। धन्यवाद सर। उनके लिए क्या विश करेंगे आप? मैं उनको भगवान अपने विद्यालय की तरफ से, भगवान की परम पिता परमेश्वर की कृपा से मैं कहता हूँ कि बच्चे जिस भी सीढ़ी पर जाएं, सफलता उनके कदमों को चूमे, और मैं भगवान से ये प्रार्थना भी करता हूँ कि हमारे बच्चे जिस भी फील्ड में जाएं, एक BSM स्कूल का और अपने पेरेंट्स का नाम ऊँचा करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे। धन्यवाद सर। आइए यहाँ अब जो यहाँ की महिला अध्यापिका हैं उनसे ही बात करते हैं कि प्लस टू के बाद ये बच्चे यहाँ से बिछड़ जाए। कुछ और छात्र अहमद हैं। बेटा पहले तो बेस्ट ऑफ लक, प्लस टू के बाद, प्लस टू में हो आप? नहीं, मैं प्लस वन में। प्लस वन में बेटा कई साथी बिछड़ जाएंगे आपसे। बेटे कैसा लग रहा है? हमें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, हमें उनकी बहुत याद आएगी, उनके बिना ये पूरा स्कूल सुना सुना रह जाएगा। आई मिस यू अ लॉट प्लस टू क्लास। याद आएगी? या ये मेरी भावुक है, बहुत याद आएगी। हाँ जी, बहुत, वो इतने अच्छे साथी मिले हैं, वो बिछड़ जाएंगे, बहुत गंदा लगेगा हमें। अच्छा। हाँ बेटा, प्लस वन से हो, प्लस टू के छात्र हैं जो आपकी सहेलियां थी, आपसे बिछड़ जाए? एक भी नहीं है? क्यों? अच्छी नहीं है, बोलने की सेंस नहीं है, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, वो चली जाएंगी। हमें बहुत अच्छा, हमने बहुत अच्छा भी लग रहा है, इनको बहुत अच्छा इस वजह से लग रहा है क्योंकि वो सक्सेस में चले जाएंगे, इस वजह से इनको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। पार्टी में बहुत आपके न्यूज चैनल को हम धन्यवाद करना चाहते हैं, और जो आप हमारे यहाँ पे स्कूल में पधार रहे हो, धन्यवाद। बिछड़ जाएंगी, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा, आगे पढ़ लेंगी, बेस्ट ऑफ बेस्ट। बैठ कटो बरे मांगी। हाँ, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? आप बोले ये प्लस टू की है, बिल्कुल आराम से ना करो, किसी प्रकार की कोई ना, मैं दूंगी। ये ले बैठ के अपनी मम्मी के साथ बर्तन साफ करवाएगी। इसी करीब बात कर रहे हैं फंक्शन जो यहाँ महिला टीचर, उनसे बात करेंगे कि काफ़ी बच्चे जो हैं इनसे यहाँ बिछड़ जाए। बेटा प्लस टू में हो, काफ़ी साथी बिछड़ जाएंगे बेटा, बड़ी याद आएगी, क्या कहना चाहोगे? माइक ले ले, माइक पकड़ ले, मेरी तो याद है, काफी साथी बिछड़ गए बेटा, बहुत याद, बहुत अच्छे थे स्कूल के दिन, बहुत याद आएंगे, फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा था, सब भी व्हाट्सएप पर किया। स्कूल में टाइम पीरियड कैसा निकला? स्कूल में टाइम पीरियड कुछ पीरियड बोरिंग भी थे, कुछ इंटरेस्टिंग भी थे, पर टाइम का पता नहीं चला कैसे निकल गया। क्या कह रहे थे बेटा? टाइम का पता ही नहीं चला स्कूल में कैसे निकल गया, बहुत क्या कहने जाओगे बेटा? कई साथी बिछड़ जाएंगे आज, मिस करेंगे काफी, बहुत ज्यादा मिस करेंगे। पकड़िए, फेयरवेल पार्टी है, कई छात्राओं से बिछड़, कई स्टूडेंट जो आपसे बिछड़ जाओगे उनसे, क्या कहना चाहोगे उन छात्रों के लिए जो आज विदाई पार्टी ले?
हमें उनसे बिछड़ने का दुख भी होगा, लेकिन के साथ साथ हमें ये खुशी होगी कि वो अपने आने वाले आगे लक्ष्य की ओर अगला कदम बढ़ाएंगे। थैंक यू। क्या विश देंगे अपने स्टूडेंट को आज? सर ये आगे ऐसे ही कामयाब होते रहे सर। और बेटा ऐसे भावुक क्यों आज? बच्चे हमसे अलग होंगे सर। मन लगा होता। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगी मैम आप? क्या विश देंगी बच्चों को? जो बच्चे आज सर मैं बस यही कहना चाहूंगी कि बच्चे अपना फ्यूचर अच्छी तरह सिक्योर करे, बिल्कुल कामयाब हो, जैसे यहाँ पे नाम रोशन किया है अपने पेरेंट्स का, हमारे स्कूल का, ऐसे ही आगे अपना नाम रोशन करे। बच्चे अच्छे से ऐसे कामयाब होते रहे सर, हमारी यही दुआ है उनसे हमेशा। क्या कहना चाहेंगे? काफी छात्राओं बिछड़ जाएंगे स्कूल से स्टेशन के बाद। सर आज हमने इनके लिए फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज की है और हमारी विशेष है कि मैं प्रॉस्पीरियस इन देयर लाइफ। मे ऑल प्रॉस्पीरियस इन देयर लाइफ। हमारी तरफ से दुआएं हैं उनको कि वो आगे बढ़ें और भी अच्छे काम करें। बहुत याद आएगी। काफी छात्र बिछड़ जाएंगे। बहुत याद आएगी। कोई विशेष छात्रा जिसकी बहुत ज्यादा याद आएगी और उसकी विशेषता? सारे विशेष हैं जी हमारे लिए। हाँ जी धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। सर बच्चे जा रहे हैं विदाई में, मतलब थोड़ी ना मांगे हैं हमारी, बच्चे बहुत अच्छे हैं हमारे और हम कहते हैं कि बहुत अच्छी पढ़ाई करें और आगे किसी कैरियर को, बढ़िया कैरियर को चुने। थैंक यू। क्या अपने बच्चों के लिए जो बच्चे स्टेशन के बाद स्कूल से चले जाएंगे? हम भगवान से दुआ करते हैं कि हमारे बच्चे आगे आगे बढ़े, खूब बड़े बड़े पदों पर आसीन हो और बच्चे याद आएंगे, बच्चे हमारे बहुत अच्छे थे। याद हमारी छात्राएं याद आएंगी पर, लेकिन ये सफलता का मुकाम है, हम चाहते हैं कि आगे आगे बढ़े। न्यू बीएसएम स्कूल में जहां फेयरवेल पार्टी चल रही है और इस सेशन के बाद काफ़ी सारे छात्र हैं जो इस सेशन के बाद एक दूसरे बिछड़ जाएंगे, उनसे बात करते हैं। बेटे ये एग्ज़ाम होंगे फाइनल, इसके बाद एक दूसरे बिछड़ जाओगे, कितनी याद आएगी? बहुत ज़्यादा याद आएगी। इतने भावुक क्यों हो रहे हो? सर से दूर जाएंगे, स्कूल से दूर जाएंगे। और क्या कहना चाहोगे? यहीं पे पले हैं सर, यहीं पे बड़े हुए हैं, यहीं पे बचपन से ही स्टडी कर रहे हैं, बहुत दुख आएगा सर सर के पास से दूर जाने के। आप इतने भावुक क्यों हो रहे हो? साथी बिछड़ जाएंगे। यस बहुत याद आएगी। जो रहते हैं साथ रहते हैं, स्कूल में भी रहते हैं, घर पे भी साथ रहते हैं, ज्यादा टाइम इनके साथ बिताते हैं। टाइम पीरियड बीता आपका, वो कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। टीचर कैसे थे? बहुत अच्छे थे। मजा आया पढ़ने? बहुत मजा आता है। अब दुख आएगा? बहुत ज्यादा दुख आएगा। टीचर से बिछड़ जाएंगे और अरुण सर भी बिछड़ जाएंगे। सबसे विशेष टीचर, सबसे अच्छे टीचर कौन से? अरुण सर। आइए कुछ और छात्र से बात करेंगे। इस सेशन के बाद काफी छात्रों से बिछड़ जाओगी फेयरवेल पार्टी के बाद, कैसा महसूस हो? इतने बहुत ही फील आएगी सर, याद आएगी उनकी, बच्चों की, टीचरों की बहुत याद आएगी। जो लाड प्यार है नहीं, वो बहुत ही अच्छा है, सब टास्क बहुत बढ़िया। स्कूल में जो टाइम पीरियड बीता आपका कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा। बड़े भावुक हो रहे, क्या बात? बिछड़ जाएंगे ना, लाड प्यार बच्चों का, मास्टर वाला सर। क्या कहने जाएंगे बेटा? बताओ आप क्या कहना चाहना? आज से कई साथी बिछड़ जाएंगे। याद आएगी स्कूल की सर, बहुत याद आएगी। यस सर। और टीचर भी अच्छे थे, स्टडी भी सही। काफी साथी बिछड़ जाएंगे आज इस सेशन के बाद, कैसा लग रहा है? अच्छा तो बहुत लग रहा है, हम इंजॉय भी कर रहे हैं इसको, पर दोस्तों के गुम होने का भी, इनसे हम बिछड़ जाएंगे
मेरी पहली और लास्ट फेयरवेल है, फिर भी इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसे दोस्त मिले मेरे को, रजनीश रवि बाकी सारे, तो थोड़ा तो गम होगा कि साथ बिछड़ जाएंगे। स्कूल में टाइम पीरियड कैसा बीता आपका? स्कूल में टाइम पीरियड बहुत अच्छा बीता, बहुत याद करेंगे स्कूल के पलों को, बार बार मिलने आते रहेंगे दोस्तों से अपने। सबसे ज्यादा अच्छे टीचर कौन से लगते हैं? सबसे ज्यादा टीचर सारे अच्छे हैं, पर मोस्ट फेवरेट अरुण सर, संजय सर। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे क्लासमेट है, हम उनसे पिछड़ जाएंगे और क्या नाम लेते हैं, ये आपस में मिल नहीं पाएंगे कभी, यदि किसी से मिलेंगे तो कोई कहीं पर होगा, कोई कहीं पर होगा, और लड़ाइयाँ बहुत कम होती है, जो यार दोस्त है उनकी बहुत याद आएगी, बस यही करना चाहेंगे। क्या कह दोगे बेटा, आज बिछड़ जाओगे, बिछड़ जाओगे सेशन के बाद बच्चा आपस में, अब कई साथी चले जाएंगे सेशन के बाद, कैसा लगेगा? लगे बहुत बुरा लगेगा वैसे तो, फिर भी ठीक है, नए दोस्त मिल जाएंगे। तो यहाँ देखा आपने बच्चे भावुक हैं, इस सेशन के बाद एक दूसरे से वो बिछड़ जाएंगे, बने रहिए ग्राउंड मीडिया से। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर अपने कैमरा में सहयोगी इंतजार आलम स्कूल DBSM स्कूल से। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।